वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में है अभी चैप्टर टू में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ठीक है तो फिजिक्स का चैप्टर टू है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड दी कैपेसिटेंस. तो इसमें से आपके फॉर्मुलाज भी रिवाइज होंगे और इम्पोर्टेंट एम हम साथ में सोल्व करेंगे तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि टेन कपैसिटर्स ईच ऑफ दी कपैसिटेंस वन माइक्रोफेरिड आर कोनेक्टेड इन पैरल to the source of the 100 volt the total energy stored in the system is equal to ab dekho jab humne capacitors ko parallel mein join kiya hota hai then total capacitance is sum of all the all the individual capacitances अब सभी की सभी same है और सभी की सभी है अभी 1 माइक्रो फेरेड तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा टेन इंटू वन माइक्रो फेरेड ठीक है तो सभी को ऐड किया तो इसको अगर हम लोग चेंज करें सो टेन इंटू माइक्रो फेरेट मींस टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स तो ये हमें आंसर मिल गया 10 5 अब V की वैल्यू दी गई है जो हमारा यहां पर पोटेंशियल है दैट इज दंड्रेड वोल्ट और हमने सोल्व करनी है अनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम तो अनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है ठीक है तो c की वैल्यू यूज करते हैं अभी c की वैल्यू है हमारी टेन डेज टू पावर माइनस फाइव और v है हमारा हंड्रेड का स्क्वायर तो ये हमारा फोर बन गई ठीक है तो इसको डिवाइड किया तो ये बन गया अभी जीरो पॉइंट फाइव यहाँ से बची माइनस वन ये भी पॉइंट हटाकर हम लोग जीरो इधर यूज कर लेंगे सो इट बिकम्स बिकम्सा माइनस टू जाऊल में आंसर आ जाएगा सो डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है इतना क्लियर है अभी तो ऐसे आपको यहां पर दो फॉर्मूले यूज हुए हैं कि अगर हमने यूज किया हो कैपेसिटर्स को इन पैरेलल तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे सोल्व करनी है और सेकंड है यहां पर भी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आगे है अभी ए प्रोटोन इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट पी वन टू ए पॉइंट पी टू बोथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एट पी वन एंड पी टू आर माइनस फाइव एंड प्लस फाइव मान लीजिए ये है पॉइंट पी वन और ये है पॉइंट पी टू पी वन का पोटेंशियल है भी माइनस फाइव वोल्ट और पी टू का पोटेंशियल है भी प्लस फाइव वोल्ट हमने प्रोटोन को मूव करना है भी फ्रोम पी वन टू पी टू प्रोटोन का चार्ज माइन प्लस ई ठीक है इतना क्लियर है

तो हमारा चार्ज क्या है भी चार्ज दी प्लस ई और पोटेंशियल एट पी टू माइनस पोटेंशियल एट पी वन ठीक है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे जब आए वर्क डन ऑन द प्रोटोन इतना क्लियर है तो ई पोटेंशियल एट पी टू इज प्लस फाइव माइनस पोटेंशियल एट पी इज माइनस फाइव तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन uh, का चार्ज यूज करते हैं तो ये क्या बन गया अभी फाइव माइनस माइनस बन जाएगी यहाँ पर प्लस तो ये आपका बन जाएगा ऐड करके टेन तो इसको सोल्व किया तो ये बच गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एज टू पावर माइनस एटीन जाउल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा सो बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है अभी तो बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो ईजिली ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर सोल्व हो जाएंगी सो so, भी इसके बाद है हमारा थर्ड एमसीक्यू सी क्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसकी स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड करते हैं टू चार्जेज प्लस क्यूच आर कैप्टू ए डिस्टेंस अपार्ट ठीक है दो चार्जेज हैं अभी दोनों के दोनों ही प्लस क्या है जिनको हमने रखा है एट ए डिस्टेंस टू ए अपार्ट ठीक है एंड ए थर्ड चार्ज माइनस टू क्या इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दम उनके बीच में एक थर्ड चार्ज रख दिया गया है माइनस टू क्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए डिस्टेंस है और यहाँ तक भी डिस्टेंस ए है टोटल डिस्टेंस टू ए है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं भी ए बी और सी अब देखो पोटेंशियल एनर्जी सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमने चार्ज ए को यहाँ पर प्लेस किया जब ए पर चार्ज को प्लेस किया देन देयर इज़ नो पोटेंशियल नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि और कोई चार्ज है नहीं था तो इसका मतलब है इस केस में हमारा वर्क डन ज़ीरो रहा फिर हमने बी पर चार्ज को प्लेस किया अब ए वाला चार्ज तो ऑलरेडी था तो ए वाला चार्ज होने के कारण बी के ऊपर पोटेंशियल बनेगा तो इसका मतलब उस टाइम हमारा वर्क डन होगा ठीक है तो वर्क डन एट प्लेसिंग द चार्ज एट ए इज जीरो बट एट बी इज चार्ज चार्ज कितना है बी पर माइनस टू क्या हो इंटू द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ठीक है तो बी के ऊपर जो भी आपका पोटेंशियल होगा सो चार्ज इंटू पोटेंशियल एट बी अब देखो अभी बी के ऊपर पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज एट ए तो इसको मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू ए पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए इसका मतलब ये है इतना क्लियर है अभी इसको पहले सोल्व कर लेते हैं अभी माइनस टू क्या पोटेंशियल का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है अभी के यानी कि वन बाई फोर इन टू चार्ज ओवर डिस्टेंस तो ए के ऊपर चार्ज है उसके कारण ही यहाँ पर पोटेंशियल आया है तो ए के ऊपर चार्ज क्या है अभी प्लस क्या सो चार्ज इज प्लस क्या डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए इतना हो गया अभी क्लियर तो ये आपका अभी सोल्व कर कर क्या बन जाएगा माइनस टू के क्यू स्क् सी के के केस में क्या होगा अभी अब देखो जब हमने सी के ऊपर भी चार्ज रखना है तो पोटेंशियल यहाँ पर ड्यू टू ए भी है और ड्यू टू बी भी है क्योंकि ए पर भी चार्ज है और बी पर भी चार्ज है सो सी पर चार्ज रखने के लिए दोनों चार्जेस का पोटेंशियल आएगा सो हमने चार्ज कौन सा मूव करवाना है अभी प्लस क्यू सो चार्ज इन टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी तो दोनों पोटेंशियल्स को हमें ऐड करना होगा सो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए के अब देखो ए पर कौन सा चार्ज है अभी अगेन प्लस क्या डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए अब सी से लेकर ए तक भी कौन सी डिस्टेंस है दैट इज दी टू ए ठीक है अब आगे प्लस के ड्यू टू बी देखना है अभी अब बी पर कौन सा चार्ज है माइनस टू क्यू और डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दैट इज दी ए अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ठीक है अब इसको अगर आप लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका बन जाएगा अभी के क्यू स्क्र ये वाला क्यू भी हमने अंदर यूज कर लेना है अभी ओवर में है टू ए एंड माइनस के टू के क्यू स्क्वेर ओवर ए ठीक है अब इन सभी को हमने करना है अभी ऐड तो हमारा भी टोटल पोटेंशियल क्या बन जाएगा टोटल जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी द सिस्टम जीरो प्लस टू के क्यू स्क्वायर बाय ए ये हो गया हमारा डब्ल्यू बी वाला एंड प्लस सी वाला जो है उनकी बोथ टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा भी यहाँ पर इन सभी को हमने ऐड कर देना है अब इनको ऐड करने के लिए एलसीएम आएगा भी टू ए टू ए को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स दी फोर के क्यू ये वाली टर्म सेम आ जाएगी के क्यू और यहाँ पर भी बन जाएगा अभी फोर के क्यू तो फोर एंड फोर बन गया एट माइनस का एट प्लस वन तो ये आपका बच जाएगा अभी माइनस सेवन के क्यू स्क्वायेर बाई टू ए सो दिस इज द राइट ऑप्शन अब आपको यहाँ पर के का आंसर पुट कर देना है अभी वन बाय फोर पाई एप्सल नोट सो फोर पाई एप्सल नोट होता है फोर नीचे टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एट बाई एप्सल नोट बनकर हमारा सी ऑप्शन राइट आ जाएगा ठीक है तो ऐसे भी क्या करते हैं कि कई बार आपको एम में ही पूरे का पूरा आर्टिकल पा देते हैं पूरी की पूरी आपको यहाँ पर एक तरह से डेरिवेशन करनी पड़ती है तो इस बात का आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रख लेना है क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो दिस इज राइट असर्शन इज राइट क्योंकि मूव करेंगे चार्ज को पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क डन इज जीरो ऐसी सभी फोर्सेज जिनमें क्लोज्ड पाथ के ऊपर ऊपर किया गया वर्कडन जीरो होता है दो फोर्सेज आर कंजरवेटिव फोर्सेज सो ये भी सही है सो so, दोनों ही हमारे असरशन एंड रीजन आर द्रू सो so, इसका आंसर ए बन जाएगा बिकॉज इट इज़ ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं असर्शन रीज़न के साथ के असर्शन ट्रू है रीजन ट्रू है दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है फिर असर्शन ट्रू है रीजन ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन ना हो तो बी ऑप्शन होता है तो ऐसे अपने ऑप्शन को वहाँ से ऑब्जर्व करके अपना सही आंसर चूज कर लेना है ठीक है भी सिंपल था तो आगे चलते हैं इफ़ ए पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस एक्स From the midpoint of an electric dipole on its axis, the electric potential at P is proportional to. to so, तो हमारे पास भी दो यहाँ पर चार्जेज हैं मान लो कुछ इस तरह से अब हमें फिर से थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी वैसे अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो नो प्रॉब्लम आपको फिर आंसर यहाँ से इजीली पता चल जाएगा तो यहाँ से एक्स है अभी डिस्टेंस ये दोनों ए मान लेते हैं हमें पी के ऊपर पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए सो पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज सो पोटेंशियल ड्यू टू दी प्लस क्यू चार्ज क्यू चार्ज ओवर डिस्टेंस अब देखो भी प्लस क्यू से पी कितनी दूर है ए प्लस एक्स यानी कि एक्स प्लस ए ठीक है एंड के ड्यू टू माइनस क्या और माइनस क्या से भी ये कितना दूर है एक्स माइनस ए ठीक है तो यहाँ से बचेगा x- माइनस ए और ये वाला बच गया अभी x+ प्लस ए ठीक है यहाँ पर हमने दोनों चार्जेस रखे हुए थे इतना क्लियर है तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आएगा अभी k और क्या वो हम लोग बाहर निकाल देते हैं वन ओवर एक्स प्लस ए माइनस वन ओवर एक्स माइनस ए तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका नीचे आपका अभी यहाँ पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और ऊपर आपका यहाँ पर सोल्व कर कर बच जाएगा अभी एक्स के साथ एक्स आपकी कैंसिल हो जाएगी माइनस टू ए बच जाएगा ठीक है तो क्यू इंटू टू ए को हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट यूज़ कर लेते हैं सो इट बिकम्स दी माइनस क्यू माइनस के इंटू पी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो मतलब ये पोटेंशियल के फार्मूले के डिवाइड में एक्स स्क्वायेर आ रही है तो हम यहीं से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स स्क्वायेयर तो ये आपका राइट right ऑप्शन बन जाएगा ठीक है भी तो ऐसे अगर आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला याद हो कि एट दी एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ये उसको सोल्व करके आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा इतना क्लियर है अभी सिंपल था चलो द कैपेसिटर्स ईच ऑफ दी फोर माइक्रोफेरेट आर टू बी कनेक्टेड इन सच वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज सिक्स माइक्रोफेरेट हमारे पास भी तीन कैपेसिटर हैं यहाँ से आपको आइडिया हो गया तीनों के तीनों है फोर माइक्रोफेरेट हम उसे हम उन्हें किस तरह से ज्वाइन करेंगे टोटल सिक्स बन जाए अगर हम सभी को लगा देते हैं अभी पैरेलल में तो फोर प्लस फोर प्लस फोर हो जाएगा वो बन जाएगी बारह अगर हम सभी को लगा देते हैं सीरीज में तो रेसिप्रोकल ऐड होंगे तो फोर से लोअर वैल्यू बनेगी तो हमें फोर से ऊपर चाहिए हमें चाहिए सिक्स तो हम क्या करेंगे दो को लगाएंगे भी यहां पर सीरीज में और एक जो है उसको उनके साथ लगाएंगे इन दी पैरल इसके साथ क्या होगा इसकी फोर है फोर है और फोर है जो सीरीज में है भी इनके रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ेंगे ऊपर तो ऊपर वालों की इक्वलेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग सोल करें तो ये आपकी बन जाएगी भी सी ये हमारा कैंसिल हुआ टू बन जाएगी ठीक है तो इन दोनों की सोल करके अभी हमें आंसर कितना मिल चुका है टू मिल चुका है ठीक है सी एस इनकी अब टू और फोर है इन पैरल तो पैरल के केस में हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो हमें सिक्स ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है अभी सी हमारा ऑप्शन है टू ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दी कॉम्बिनेशन इन पैरल टू दी थर्ड वन तो ये हमारा राइट ऑप्शन है इतना क्लियर है अभी ठीक है सिंपल था यहां तक तो चलो इसके आगे चलते हैं ऑफ़ द इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्ो पोटेंशियल सरफेस इनमें से कौन सी इक्योटेंशियल की प्रॉपर्टी नहीं है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर ये तो उसकी प्रॉपर्टी होती है द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इक्टेंशियल सर्फेस इज जीरो दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी जीरोल सर्फेस यानी के सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल है अगर सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होगा तो वहां पर वर्क डन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जीरो हो जाएगा फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर स्फीयर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन दीज आर दी प्लेनर वंस तो ये हमारे प्लेनर बनेंगे पॉइंट चार्जेस के लिए होते हैं अभी कंसेंट्रिक स्फीयर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं होते हैं सो दिस इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस सो सी इज आवर राइट ऑप्शन ठीक है भाई इतना क्लियर है चलो सो आगे चलते हैं चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट दी पॉइंट्स ए एंड बी यहां पर है भी प्लस क्यू और बी पर है हमारा माइनस क्यू विच आर एट दी डिस्टेंस टू एल अपार्ट तो यानी कि यहाँ पर एल डिस्टेंस है यहाँ पर भी एल डिस्टेंस है सी इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस क्या अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी अब ये अगर एक सर्कल है तो रेडियस होने के कारण बी डी भी एल होगी हमें सी से लेकर सी आर डी ऐसे चार्ज को मूव मूव कराना है अभी प्लस क्या हू? चार्ज को हमें सोल्व करना है वर्क डन तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू दार्ज इन टू पोटेंशियल का जो चेंज हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी ठीक है तो हमें सिंपल फॉर्मुला अप्लाई करना है पाथ कोई भी हो पोटेंशियल के केस में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के पोटेंशियल्स ही यूज होते हैं पाथ का कोई रोल नहीं है सेमी सर्कल हो स्क्वायर हो स्ट्रेट हो इसका कोई इशू नहीं होता सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी यानी कि वी डी माइनस वी सी आ जाएगा तो क्यू पोटेंशियल एट डी फिर से सेम फार्मूला के इन चार्ज ठीक है अब देखो भी पोटेंशियल एट डी क्या होगा सबसे पहले तो ये आपको अब सोल्व करना है अब देखो भी डी के ऊपर दो पोटेंशियल्स हैं पोटेंशियल ड्यू टू दी प्लस हुआ एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी माइनस क्या ठीक है तो पहले इसको लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू दी प्लस क्यू तो पोटेंशियल ड्यू टू दी प्लस क्यू ओवर डिस्टेंस क्या है अभी ए टू डी ए टू डी हमारी कितनी बनेगी भी टोटल डिस्टेंस दैट इज दी थ्री एल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दी माइनस क्या चार्ज माइनस क्या से डी कितना दूर है अभी एल ही दूर है एंड माइनस वी का पोटेंशियल अब इसको याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो मिड पॉइंट और सभी के सभी इक्वेटोरियल पॉइंट्स यानी कि अगर हम यहाँ से सी में से एक परपेंडिकुलर पास करवा देते इक्वेटोरियल पॉइंट्स जितने भी होंगे उन सभी पर पोटेंशियल जीरो होता है ठीक है तो यहाँ से आपकी सोल्विंग ईजी हो जाएगी अंदर हम एल करते हैं एल आ गया आपका दैट इज दी थ्री एल तो ये क्यू के इस तरह से आ जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा दैट इज दी माइनस थ्री के क्यू तो ये आपका माइनस कर कर बच गया अभी माइनस टू के क्यू क्यू बाय थ्री एल तो यहाँ पर आप लोग के का आंसर पुट कर सकते हैं तो ऐसे आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा ठीक है अभी के का आंसर फिर से हम लोग क्या पुट करेंगे अभी वन बाई फोर पाई एप्सल नोट तो ऐसे इसका आंसर पुट कर सकते हैं आप लोग वन बाई फोर पाई एप्सल नोट ऊपर बच गया क्यू क्यू बाई थ्री एल तो इसको आप लोग सोल्व करके आंसर लिख सकते हैं इसके ऑप्शन नहीं यहाँ पर शो किए गए बट जो भी ऑप्शन होगा आप लोग उस अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर लेना क्लियर है अभी सिंपल है तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर में तो आगे चलते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दी एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी एक एक्सिस पॉइंट पर मतलब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमें जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ठीक है दी गई है तो यहां पर हमें दी गई है भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू v है हमें पूछा गया है कि द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन अगर हम इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो मैंने आपको अभी बताया था इक्वेटोरियल सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो होता है कुछ सोल्व नहीं करना सिंपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो भी इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं उन सभी पर पोटेंशियल जीरो है इतना क्लियर है अभी तो ये होती है अभी एक्सियल लाइन ठीक है जो उसी एक्सिस पर हो जो हमारी परपेंडिकुलर है दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन इतना क्लियर हो गया अभी चलो आगे चलते हैं दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमें जो है वो पोटेंशियल का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है हमें पोटेंशियल के ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व करना है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि माइनस डी वी बाई डी आर तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं भी इसको जीरो टू टू जब मूव किया है मान लो यहाँ पर पोटेंशियल वी एज्यूम कर लेते हैं जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये हमने ठीक है खुद अज्यूम किया है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं आपको एक बार रिप्रेजेंट अच्छे से हो जाएगा ठीक है तो मान लो कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल अभी हम देखते हैं ज़ीरो टू टू के लिए और यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वी वैल्यू नाउ ज़ीरो टू जब हम लोग टू जाएंगे चेंज इन आर कितना हुआ है अभी टू चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ है जीरो से वी चला गया जीरो से v हो गया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू सो v चेंज हुआ तो ई e हमारी कितनी आ गई भी माइनस डी वी बाई डी आर तो डी वी की वैल्यू v पुट कर दो r की वैल्यू टू पुट कर दो तो माइनस वी बाई टू बन गई अब टू टू फोर चलते हैं टू टू फोर जाएंगे ये वाला पोर्शन है ठीक है तो डी आर तो टू ही चेंज हुआ है डी आर तो हर बार टू हो रहा है बट चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज यहाँ पर वैल्यू क्या रह रही है अभी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू रह रही है ठीक है तो अगर डीवी जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी भी माइनस डी वी की वैल्यू माइनस बी डी आर की वैल्यू टू सो दिस इज वन इसका मतलब है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो जीरो टू टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन क्या है भी? That is the minus में है। तो इस तरफ को यहां पर बन जाएगा और से तक है और से से ले लेकर 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 तक तक हो है होगी हमारी पॉजिटिव तो आप लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है इतना हो गया अभी क्लियर तो जीरो से लेकर टू तक दैट इज दी माइनस में है और टू से लेकर फोर तक कॉन्स्टेंट है और फोर से लेकर सिक्स तक पॉजिटिव वैल्यू है सो so, हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट बन जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अभी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी आपको E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर का जो आपका फॉर्मूला है वो यहां पर यूज कर लिया गया है क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई दिस तो इस बार फिर से हमें V की वैल्यू यहां पर दे दी गई है हम पहले निकालते हैं अभी डी वी बाई डी एक्स ठीक है तो इसका हमें करना है डेरीवेटिव तो एक्स स्क्र का डेरीवेटिव होता है टू एक्स उसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर हमने कर दी माइनस तो वो बची वन सो इट बिकम्स दी सिक्स एक्स नाउ एट पॉइंट जो हमें पॉइंट दिया गया वन जीरो टू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट वन जीरो टू तो एक्स की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ पर वन है ये होती है वाई की वैल्यू ये होती है जेड की वैल्यू यहाँ पर ओनली एक्स यूज़ होगा तो हमारा डी वी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा अभी सिक्स इंटू वन दैट इज दिक्स नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है हमने आर की जगह पर यहाँ पर एक्स लिख लिया सो आर इज़ द डिस्टेंस तो यहाँ पर एक्स यूज कर ली गई है तो इसका आंसर क्या है अभी सिक्स सो इट बिकम्स द माइनस सिक्स तो आपका आंसर क्या बन जाएगा अभी सिक्स Along the minus negative तो minus के साइन से हमें उसकी डायरेक्शन पता चल गई तो ए आपका राइट right ऑप्शन है अभी भी, तो भी equipotential surface की shape, अगर कोई भी नेट चार्ज हो हमारे पास तो उससे लार्ज डिस्टेंस पर स्फेरिकल शेप रहती है तो हमारा ए यहां पर राइट right ऑप्शन बन जाएगा इतना क्लियर है अभी आगे है अभी प्लस थ्री नैनोकूलम चार्ज है जो कि इनिशियली एट रेस्ट पर था एट ए डिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू मूव कर दिया गया फ्रॉम टू न्यू पोजिशन आर टू और हमने ओरिजिन पर एक ये चार्ज रखा हुआ है ओरिजन पर एक हमने चार्ज रखा है अभी तो इसकी डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं फिर आपको आइडिया होगा कि क्या है ओरिजिन पर चार्ज रखा है अभी क्यू और यहाँ पर एक चार्ज था भी क्यू एट ए डिस्टेंस आर वन ठीक है इसको मूव कर दिया गया टू ए पॉइंट न्यू पोजीशन जो यहाँ से है भी एट ए डिस्टेंस आर टू ठीक है तो इसके यहाँ पर मूव किया गया है तो ये दोनों हमें ये वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं नाउ वर्क डन बाय द फील्ड हमें सोल्व करना है क्या सोल्व करना है अभी वर्क डन बाय द

ठीक है अब क्यू पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए ठीक है नाउ पोटेंशियल ऑफ बी बी का पोटेंशियल है भी ड्यू टू चार्ज प्लस के सो के इनटू चार्ज ओवर डिस्टेंस है आर टू के अब ए का पोटेंशियल चार्ज तो क्यू ही है बाय आर वन ठीक है अब ये के और क्यू आ जाएंगे भी हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे आर टू की वैल्यू हमें दी है फिफ्टीन आर वन की वैल्यू दी है हमें दैट इज़ दी टेन अब इनका एल सी एम आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं इनके साथ हंड्रेड लगा लें क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं अभी इन सेंटीमीटर हमें इन्हें चेंज करना है इनटू मीटर तो ये आपका भी यहाँ से सिंप्लीफाई होकर बन गया के क्यू क्यू इसको आपने सोल्व किया तो ये आपका बच जाएगा वन बाई थर्टी एल सी एम करके देख लेना इंटू हंड्रेड अब सभी चार्जेस की हमें यहाँ पर वैल्यूज़ लगानी है अब के की वैल्यू क्या होती है अभी मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ के की वैल्यू है अभी हमारी नाइन इंटू टेन डेज टू पावर नाइन ठीक है चार्जेस की वैल्यू एक है हमारा फाइव कूलम और दूसरा है हमारा दैट इज दी थ्री कूलम और साथ में जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पर ओवर में लिख लेते हैं दैट इज़ दी थर्टी और साथ में है यहाँ पर हंड्रेड ठीक है तो यहाँ पर हमने ये सभी वैल्यूज यहाँ पर यूज़ कर ली हैं अब इनको सोल्व कर लेते हैं और माइनस का साइन यहाँ पर लगा दो ये इसके साथ कैंसिल हो गया थ्री ठीक है और तो कुछ होना नहीं ये जीरो इसके साथ कैंसिल कर देते हैं सो नाइन इंटू फाइव दैट इज़ दाइनस फोर्टी फाइव और एक ये टेन डेज टू पावर प्लस नाइन और माइनस नाइन कैंसिल हो गए ठीक है यहाँ पर बच गया टेन डेज टू पावर माइनस एट इसकी एक जीरो इसके ओवर में यूज़ कर लो तो ये बच गया माइनस फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन जाउल तो ये आपका आंसर होता अगर हमें ये पूछा होता थे कि वर्क डन ऑन दी चार्ज हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय फील्ड तो हमने सोल किया है वर्क डन ऑन दी चार्ज तो वर्क डन बाय फील्ड का इससे ऑपोजिट साइन आएगा तो हमारा आंसर आया है भी इन माइनस तो हमारा जो यहां पर पूछा गया वो आपका पॉजिटिव वाला आंसर होगा बिकॉज उसने पूछा है वर्क डन बाय द फील्ड तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाता है वर्क डन चार्ज ठीक है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है तो ऐसे आपका ये आंसर इजली बन जाएगा क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन दैन सो एक है अभी ऊपर चार्ज प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली और दूसरी है नीचे प्लेट दैट इज दी माइनस चार्ज वाली अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंडक्टर रखता हूँ तो इसके इस साइड चार्ज आ जाएगा माइनस और इस साइड आ जाएगा इसके चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव से भी फील्ड हमेशा शुरू होती है और माइनस की ओर एंटर करती है तो इस तरह से कुछ शेप होगी और यहाँ से भी कुछ इस तरह से शेप होगी ठीक है और यहाँ से भी कुछ इस तरह से शेप बनेगी ठीक है तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट बन जाएगा नाउ ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट बैटरी इफ इट्स कैपेसिटेंस चेंज्ड फ्रॉम 2 इट्सिटेंोफेरिड टू द एक्स द डिक्रीज़ इन एनर्जी ऑफ द कपेस्टर इज वैल्यू ऑफ एक्स इसका क्या मतलब है पहले थी भी हमारे पास किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टू बाद में चेंज कर दी हमने उसको कर दिया एक्स चेंज इन अनर्जी जो आया है अभी वो है टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस टू जाउल हमें सोल्व करनी है एक्स की वैल्यू ठीक है सुनाऊ डेल्टा यू का फॉर्मूला लगाते हैं भी डेल्टा यू इज़ यू वन माइनस यू टू बिकॉज एनर्जी डिक्रीज हुई है तो हाफ पहले थी सी की वैल्यू टू माइक्रोफेरेड इंटू वी का स्क्वायर एज इट इज रख लो बाद में होगी भी एक्स इन टू वी का स्क्वायर ठीक है अब जो वैल्यूज भी यहाँ से आपकी हैं कॉमन उनको हमने रख लिया यहाँ पर बाहर तो ये बच गया दिस ठीक है यहाँ पर एक्स है इधर इसका आंसर हमें क्या दिया गया है टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस टू सुना हूँ टू इंटू टेन डेज टू पावर माइनस टू ये टू तो ऊपर चला जाएगा इधर और वी स्क्वायर आएगा अभी नीचे तो वी स्क्वायर यानी कि हंड्रेड का टू uh, का स्क्वायर तो ये बन गया इधर तो यही वैल्यू रहेगी ठीक है तो इसको अब हम लोग यहाँ पर सोल करते हैं भी ये 100 ये बच गया और किया तो ये भी बच गया आपका हंड्रेड नीचे 10 days to power 4 है वो ऊपर जाकर होगी माइनस तो यहाँ पर भी क्या बन गया तो इसका मतलब क्या है अभी टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स यानी टू माइक्रोफेरेड माइनस एक्स तो एक्स आपकी सोल्व करेंगे टू माइनस वन आ जाएगी वन फैरेड ठीक है तो ऐसे आप लोग इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन एनर्जी वाला फार्मूला यूज हुआ है अभी हाफ सी बी स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है ऑलरेडी हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं कि वन बाई टू सी बी इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी सॉरी यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर का इतना क्लियर है अभी ठीक है थ्री चार्जेस टू क्या माइनस क्या माइनस क्या lie at the of the triangle, तो यहां पर मान लो भी प्लस टू क्या माइनस क्या, है, और यहां पर minus क्या है। हमने सेंट्रोइड के ऊपर E और V की वैल्यूज निकालनी है अभी ठीक है सेंट्रोइड तो भी सेंट्रोइड क्या होता है ये सभी वर्टसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ये पॉइंट सेंट्रोइड अब देखो प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ एक्ट करेगी ठीक है माइनस वाले की जिस तरफ चार्ज है उस तरफ एक्ट करेगी तो E2, E3, सो so इस तरह से आपकी फील्ड्स एक्ट करेंगी सो इक्वल टू जीरो आपके सामने है E1, E2, E3 के रिजल्टेंट सोल्व होगा तो इज नॉट इक्वल टू जीरो बी हम लोग सोल्व कर लेते हैं अभी पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या आएगा पोटेंशियल ड्यू टू दी टू चार्ज तो सभी की डिस्टेंस हम लोग इक्वल है तो ए मान लेते हैं बी ठीक है तो सेंट्रोइड से सभी वर्ड से डिस्टेंस ए है पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्या चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी अनदर माइनस क्या चार्ज तो ये आपका माइनस क्या माइनस क्या बन गया अभी माइनस टू क्या वो इसके साथ सोल्व होगा तो अल्टीमेट आंसर जीरो मिल जाएगा तो बी जीरो है बट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो सी इज द राइट ऑप्शन ठीक है इतना क्लियर हो जाएगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्टेंशियल सरफेस ये बिल्कुल सही है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्यपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल ही होती है अगर ये कोई इक्वपोटेंशियल सर्फेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा नॉर्मल ही रहती है ठीक है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल तो ई का फार्मा होता है माइनस डी वी बाई डी आर तो ये जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है

माइनस पी ई कोज थीटा टू माइनस कोज थीटा वन अगर हमने एंगल चेंज करना है फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू तो यहाँ पर क्या है भी ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है तो इसने पहले क्या किया है अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले हमने पीई को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही रखा है तो हमारा अभी थीटा वन क्या बनेगा दैट इज दीरो बाद में हमने क्या एंगल चेंज करना है दैट इज़ दी 90 डिग्री तो हमारा थीटा टू क्या बनेगा 90 डिग्री तो ये दोनों आंसर आपने यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं सो माइनस पी ई कोज नाइन्टी माइनस कोज ज़ीरो तो कोज 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो कोज ज़ीरो की वैल्यू होती है वन सो माइनस पी ई और एक ये अंदर वाला माइनस यूज़ होगा तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा अभी प्लस पी ई ठीक है तो ये हमारा पीई आंसर बन जाएगा इतना क्लियर है अभी ओके द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज क्योंकि अर्थ एक गुड कंडक्टर है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो हम लोग जीरो ज्यूम करते हैं ठीक है इतना क्लियर है अभी चलो इसके आगे चलते हैं थ्री कैपेसिटर्स टू थ्री सिक्स आर ज्वाइंट इन सीरीज विद ईच अदर द इक्विवेलेंट कपेसिटेंसिस अब देखो भी इतने फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं अब इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है अभी सो so इसका आंसर नीचे कमेंट्स में बताइए कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी तो मैं आपको इतना यहाँ पर बता देता हूँ सबके रेसिप्रोकल आपने ऐड करने हैं एलसीएम सी इसे और इसे सोल्व कर दें वहाँ से आपको सीएस का इजी सा आंसर मिल जाएगा तो नीचे कमेंट्स में इसको जरूर बताइए बिल्कुल सिंपल सी ये प्रॉब्लम है ठीक है भी तो सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करना है पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देना है ऐसे आप लोग टोटल कैपेसिटेंस सोल्व कर सकते हैं ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फ्री प्रोटोन आर प्लेस्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स बोथ आर क्लोजर टू द पॉजिटिव प्लेट देन द नेगेटिव प्लेट अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है दोनों का चार्ज तो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड ठीक है अब अगर हम लोग फोर्स इन पर क्या क्या अप्लाई होती है फोर्स इज चार्ज इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों पर फोर्स भी सेम ही लगने वाली है द फोर्स ऑन प्रोटोन इज ग्रेटर दैन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन दिस इज रोंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड सेम अब, अब इन्हीं दोनों में मुकाबला है कि इनमें से एक स्टेटमेंट आपकी सही होगी सो टू इज द राइट वन एंड थर्ड इज ऑल्सो रोंग प्रोटोन की पोटेंशियल एनर्जी हायर होगी दैन दी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू चार्ज एक का चार्ज है पॉजिटिव एक का चार्ज है नेगेटिव सो ओनली स्टेटमेंट टू इज राइट तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा ठीक है तो ऐसे आपको ऐसी प्रॉब्लम सिंपल सी पूछ सकते हैं जहां पर सिर्फ आपको स्टेटमेंट को रीड करके ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है इसके बाद हमारा है ए कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी विद वी वोल्ट ठीक है पोटेंशियल हो गया वी आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज बैटरीक्टेड एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स अब देखो अभी हमने दो केसेस को ज्यूम कर लेते हैं पहले हमने वी रखा था पोटेंशियल हमने न्यू पोटेंशियल सोल्व करना है अभी वी डैश यहां पर है क्यू डैश क्यू सी और सी डैश जब हम लोग प्लेट्स के बीच में कोई डायलैक्टिक स्लैब रख देते हैं तो न्यू कैपेसिटेंस विल बी के इन टू सी टाइम ठीक है चार्जेज आर सेम रहेंगे क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा Q और Q डैश ठीक है चाहे हम लोग बीच में कोई स्लैब रखते हैं तो चार्ज का अमाउंट तो वही रहने वाला है इतना क्लियर है अभी सुनाओ बोथ साइड पर अगर हम लोग चार्जेस के फार्मूले अप्लाई करते हैं सो so Q इज इक्वल टू सी वी इधर भी Q डैश इज इक्वल टू सी डैश वी डैश तो Q का फार्मूला सी वी पुट कर दो Q डैश का फार्मूला सी डैश वी डैश पुट कर दो ठीक है ना हो सी वी उधर C डैश का फार्मूला है भी हमारा के सी और V डैश तो यहाँ से C के साथ C हमारी कैंसिल हो जाएगी ये K ओवर में आ जाएगी सो V बाई के इज इक्वल टू वी डैश तो न्यू पोटेंशियल V बाय के बन जाएगा यानी कि पोटेंशियल जो है वो K टाइम्स यहाँ पर रिड्यूस होगा बट C की वैल्यू K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसे आपको यहाँ से जो है वो आंसर मिल जाएगा इतना क्लियर है अभी ठीक है तो ये थे आपके अभी सेकेंड चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए एम विद सैंपल पेपर की प्रॉब्लम्स तो आई होप के आप लोगों को इसमें से सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो